नमस्कार साथियों, फेबुलिस एकेडमी की सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये श्रृंखला एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। अभी तक हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों की दो जो लेक्चर हैं वो कर लिए, जिसमें से पहले लेक्चर में हमने नागरिक पुरस्कारों के साथ साथ शौर्य पुरस्कारों को देखा तथा दूसरे लेक्चर के अंदर हमने जो भारत में खेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में देखा। आज हमारा जो लेक्चर है वो राष्ट्रीय पुरस्कारों में साहित्यिक पुरस्कार है उनके बारे में है कि भारत में कौन कौन से साहित्यिक पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। आज के लेक्चर में हम ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा जो विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल हैं और साथ ही साथ साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। राष्ट्रीय पुरस्कारों की इस श्रृंखला में अगर हम साहित्यिक पुरस्कारों को देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाका पुरस्कार, ज्ञान गरिमा पुरस्कार और नवलखा पुरस्कार, इनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आशय यहाँ है ये है कि इनको दो तरीके से देखना है। एक तो हमें बेसिक आना चाहिए कि ये पुरस्कार कौन देता है, इनकी स्थापना कब हुई है, इनकी इनामी राशि कब है, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है, एक ये जानकारी हो, कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है ये हमें पता हो, इनकी इनामी राशि कितनी है इसके बारे में हमें जानकारी हो। दूसरी कि इसका जो करंट है, करंट के अंदर ये पुरस्कार किसे दिया गया है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अभी तो 2019 और 20 में ये पुरस्कार किन किन को मिले हैं, इनमें भी ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मूर्ति देवी ये पुरस्कार किनको मिले, बाकी ये जो है ये माइक्रो है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में बड़े पुरस्कार प्राप्तकर्ता का ही नाम पूछा जाता है। हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम देखते हैं। देखो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये वाक देवी का है, सरस्वती माँ सरस्वती का जो चित्र है वो इसके अंदर एक मूर्ति के तौर पर दिया जाता है। वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है ज्ञानपीठ ट्रस्ट। बात उठती है कि ये ट्रस्ट किसने स्थापित किया, तो वो ये ट्रस्ट 1961 में एक प्रसिद्ध उद्योगपति हुए थे जिन्होंने ये स्थापित किया, उनका नाम था शांति प्रसाद जैन। शांति प्रसाद जैन के प्रयासों से ये ज्ञानपीठ ट्रस्ट स्थापित किया गया और हर एक साल यही ट्रस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरित करता है। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई लेकिन प्रथम बार ये जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ ये 1965 में दिया गया, 4 साल बाद में। अब इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, देखो 2018 तक योग्यता ये थी कि अगर हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में से जो उत्कृष्ट लेखन किया जाएगा उन्हीं के किसी लेखक को ये पुरस्कार मिलता था, लेकिन 2018 के की साल को ही 22 प्लस अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि 2018 से पहले अंग्रेजी में नहीं दिया जाता था लेकिन 2018 में पहली बार 2018 में अंग्रेजी के अंदर पहली बार जो ये पुरस्कार मिला उनका नाम था दोस्तों अमिताभ घोष। ये भी आपको याद रखना है कि अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला ये इम्पोर्टेंट है। 2018 में अमिताभ घोष जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिसकी अगर हम पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों की सी ओ पॉपीज उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इनको अंग्रेजी में फिक्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा अगर इसमें हम इनामी राशि की बात करें जो एग्जामों में पूछी जाती है कई बार, तो वो है दोस्तों 11 लाख रुपए। इसके साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और इसके साथ ये जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वाघ देवी की मूर्ति ये दी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी इनामी राशि क्या है और क्या क्या दिया जाता है। यहाँ एक और चीज देख लेते हैं कि कई बार पूछते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला। जो प्रथम बार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो दिया गया 1965 में दोस्तों,
और जिसको दिया गया उसका नाम था जी शंकर कुरूप। कई बार एग्जामों में पूछा है कि जी शंकर कुरूप है वो किस भाषा के लेखक है, और वो दोस्तों है मलयालम, यानी कि मलयालम भाषा जो केरला के मलयालम क्षेत्र में बोली जाती है उसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और इनकी एक रचना थी जी शंकर कुरूप की, उस रचना का नाम भी आपको एग्जाम में याद रखना होता है, और उसका नाम था ओड कुजल। ये काफी इम्पोर्टेंट है, मलयालम भाषा की रचना है, इसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि सर्वाधिक बार जिस भाषा को ये पुरस्कार मिला है उसका नाम है दोस्तों कन्नड़। कन्नड़ के जो लेखक है उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार को 7 बार प्राप्त किया है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछ लेते हैं। अगर हम करंट की बात करें, 2019 की बात करें, तो 2019 के अंदर ये पुरस्कार मलयालम के एक लेखक हुए जिनका नाम था अच्युतम नेबुद्रि, और ये मलयालम भाषा के थे। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये 55वां पुरस्कार था, 55th। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ये जानकारी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। एक ध्यान रहे कि दुनिया के अंदर साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, इसलिए इसको भारत का नोबेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साथ ही साथ ये भारत में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार भी है जो ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ये जानकारी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। आगे देखते हैं हम, दूसरा पुरस्कार है हमारे साहित्य पुरस्कारों की श्रृंखला में, उसका नाम है मूर्ति देवी पुरस्कार। देखो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है पुरस्कार में यही पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि इस पुरस्कार की जो स्थापना है दोस्तों, वो स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में, और ये पुरस्कार भी ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ ट्रस्ट के बारे में हम पूर्व वीडियो लेख इसमें स्लाइड में देख चुके हैं, 1961 में स्थापित हुआ है शांति प्रसाद जैन के द्वारा। और यह जो पुरस्कार है ये पुरस्कार भी योग्यता इसकी यही है कि आप भारतीय संविधान की जो 8th शेड्यूल है, 8th अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में दिया जाता है, ये चीज हमें याद रखनी है। प्लस 1982 से ही अंग्रेजी में तो मूर्ति देवी दिया जा रहा था, 2018 से ज्ञानपीठ में भी अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया। इसकी अगर हम इनामी राशि की बात करें कि ज्ञान मूर्ति देवी पुरस्कार में ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा कितनी इनामी राशि दी जाती है, तो वो दोस्तों 4 लाख रुपए, प्लस वो की वही प्रशस्ति पत्र, और ये जो अभी आपको मूर्ति दिखाई दे रही है ये मूर्ति और एक शाल दिया जाता है। हालांकि आपको ये प्रशस्ति पत्र और मूर्ति शाल इनके बारे में याद नहीं रखना, इनामी राशि कई बार कथन में डाल देंगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो आपको वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो चीज आपको याद रखनी होती। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि 1982 में जो 1982 है उसमें प्रथम बार ये पुरस्कार एक लेखक को दिया गया कन्नड़ भाषा के थे, जिनका नाम था C.K. नागराज राव, यानी कि पहली बार ये पुरस्कार जिसको मिला वो कन्नड़ भाषा के थे, C.K. नागराज राव। अगर हम वर्तमान की बात करें 2019 की, तो 2019 में ये पुरस्कार जिनको मिला वो हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है विश्वनाथ तिवारी, यानी कि 2019 के लिए ये विश्वनाथ तिवारी को मिला, और ये हिंदी भाषा के हैं, काफी महत्वपूर्ण है। इनकी रचना भी कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे आपको, इसका नाम है अस्ति एवं भवति के लेखन के कारण इनको मूर्ति देवी अवार्ड से नवाजा गया। मूर्ति देवी अवार्ड के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं साहित्य पुरस्कारों की श्रृंखला में तीसरा पुरस्कार है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले हमें ये देखना है कि क्या ये किसी निजी संस्था द्वारा दिया जाता है या सरकार द्वारा। भारत के अंदर 1954 के अंदर
1954 के अंदर साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। तो साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई, इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भारत सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये पुरस्कार किन्हें देते हैं, तो इसकी योग्यता ये होती है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो वही कि 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसमें जो 22 भाषाएं हैं प्लस एक अंग्रेजी, यानी कि 23 भाषाओं में दिया जाता है। ये भी आपसे कई कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वो हमारा आंसर होगा 23 भाषाओं में दिया जाता है। यहाँ एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि पिछले 5 सालों के अंदर जो रचना होती है उस रचना के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि विगत 5 सालों के सालों की रचनाओं को इस पुरस्कार के अंदर शामिल किया जाता है। दूसरी बात यह हो गई। तीसरी, हर एक जो हमने बेसिक में देखा था टाइप में वो देख लेते हैं, इनामी राशि। अब देखो इनामी राशि है इसकी, वो 1 लाख रुपए है, और साथ ही साथ ये कांस्य से निर्मित जो फलक है वो दिया जाता है जिसमें साहित्य लिखा हुआ है। कांस्य निर्मित फलक साहित्य अकादमी पुरस्कार में मिलता है। यहाँ हमें अब देखो 23 लेखकों के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन जिस साल हम एग्जाम देंगे जैसे कि 2020 में भी अभी मिलेंगे, तो 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों को हमें याद रखना है जो अभी मिले नहीं है। यहाँ ये देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी के अन्य पुरस्कार भी है कुछ, जो आपसे एग्जाम में ये डाल देंगे कि कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता या दिया जाता है, तो उसमें आपको याद रखना है कि एक साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार भी देती है, उसके अलावा एक साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य यानी बच्चों के साहित्य के ऊपर अच्छे लेखन करने वाले लेखक को भी पुरस्कार दिया जाता है, उसके अलावा युवा पुरस्कार, यानी कि भाषा, बाल और युवा, ये तीनों के तीनों पुरस्कार ही 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, इनका भी हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, साहित्य पुरस्कारों की श्रृंखला में ये 3 पुरस्कार है जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसमें से हम पहले पुरस्कार को देखते हैं, इसका नाम है सलाका पुरस्कार। देखो सलाका पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1986 में हुई है दोस्तों, 1986 यानी कि 1986 से लगातार ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये पुरस्कार जिसके द्वारा दिया जा रहा है वो है हिंदी अकादमी, यानी कि हिंदी अकादमी अगर कोई पुरस्कार देगी तो सीधी सी बात है जिस भाषा के लिए देगी वो हिंदी भाषा के लिए देगी, यानी कि हिंदी भाषा में समर्पित लेखक को दिया जाता है। अगर हम इसकी इनामी राशि की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपको हर एक साल सलाका पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये रखना, यहाँ से सवाल ये बनेगा कि सलाका पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये होगा हिंदी अकादमी के द्वारा। इनामी राशि 2 लाख रुपए है और स्थापना 1986 में। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ हम आगे देखते हैं कि ज्ञान गरिमा पुरस्कार है वो क्या है। देखो ज्ञान गरिमा पुरस्कार भी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2015 में, यानी आज से 5 साल पहले इस पुरस्कार की स्थापना हुई, और ये भी ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में शांति प्रसाद जैन ने की, हमने पीछे की स्लाइडों में देखा है। उसके बाद में अगर इस पुरस्कार के बारे में कुछ याद रखना है तो इसकी योग्यता वो काफी महत्वपूर्ण है। ये 75 वर्ष से अधिक आयु के 75 वर्ष से अधिक आयु के जो लेखक हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि ज्ञान गरिमा गरिमा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। बुजुर्ग जो लेखक हैं 75 साल से अधिक आयु के उनको ये पुरस्कार मिलता है। 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। अगला पुरस्कार है वो है नवलखा पुरस्कार। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 2006 में हुई, और ये जिसके द्वारा दिया जाता है वो है ज्ञानपीठ ट्रस्ट। तो देखो आज के लेक्चर में हमने ज्ञानपीठ ट्रस्ट के 3 पुरस्कार देख लिए। एक तो प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको भारत का नोबेल कहते हैं, और अगला मूर्ति देवी पुरस्कार, उसके पश्चात ज्ञान गरिमा पुरस्कार, और उसके बाद में नवलखा पुरस्कार। तो ये 4 पुरस्कार भी रखने हैं। कई बार ये भी पूछ लेंगे कि कौन सा जो
पुरस्कार है या अवार्ड है जो ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो इन चार तीन चार के अलावा कोई और नाम डाल देंगे, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होना नहीं है हमें। यहाँ हम नवलखा पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। पता ये युवा लेखकों को दिया जाता है, और किस भाषा के? हिंदी भाषा के युवा लेखक, हिंदी भाषा प्लस युवा लेखक, ये आपको याद रखना है। संस्कृत, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, अन्य भाषाओं को नहीं, केवल हिंदी के भाषाओं, हिंदी भाषा में यदि कोई युवा युवा लेखक लेखन करता है तो उसको ये पुरस्कार मिलता है। तो ये तीन पुरस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो जानकारी आपकी स्लाइड में दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। आज हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में साहित्य पुरस्कार है उनको देखा, जिसको हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बेसिक और करंट। फिर हमने सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए पर्याप्त है। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, देखो मैं विशेष मार्कर से कर देता हूँ ग्रीन से, कि ये अंग्रेजी में पहली बार किसको मिला, कई एग्जामों में पूछेंगे, अमिताभ घोष, सी ऑफ ओपीज के जो लेखक हैं उनको प्रथम पुरस्कार किन्हें मिला, ये भी कई बार एग्जामों में पूछते हैं। ये प्रथम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, और 2019 वाला। उसके बाद में हमने देखा मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में, ये भी पूछते हैं कई बार एग्जामों में। साहित्य अकादमी की स्थापना से लेके कितनी भाषाओं में जो पुरस्कार दिया जाता है वो, और इसके अन्य जो पुरस्कार हैं वो हमने देखे, और उसके बाद में सलाका, ज्ञान गरिमा और नवलखा पुरस्कार देखे। साहित्य पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, अगर इतनी जानकारी हम रखते हैं तो हमारे एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे हम जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पुरस्कारों का ही रहेगा, वो हम के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप एमबीए, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो फेबुलस एकेडमी आप लोगों के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म लेके आई है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में ये मोबाइल के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको डेली टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, करंट अफेयर्स और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसे आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस और इंडियन आर्मी की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, जहाँ पर वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।